कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वो कौन सा चौधरी जो राजशाही व्यवस्था का चौधरी था, उनको प्रतिनिधित्व करता है। आज इसराइल मॉडल है वाटर कंजर्वेशन के अंदर, उसका महिमा मंडल हमारे देश के अंदर हो रहा है। पर उस रेगिस्तान के अंदर पारंपरिक ढंग से जो ताकों के माध्यम से गुणवत्ता के अंदर सर्वश्रेष्ठ पानी के लिए नरेगा के माध्यम से वो टाके बनाई, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम लोगों के लिए उनके जीवन के अंदर वो सहयोग कर रहे हैं। नरेगा के माध्यम से इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो कच्ची ग्रेवल सड़कें बन रही है उसको मॉडल के तौर पर चर्चा नहीं की जा रही। 1 लाख टाके 50,000 लीटर के 5 परिवार के सदस्य के लिए पूरे साल के पीने के पानी के लिए, रसोई के पानी के लिए वो टाके का पानी पर्याप्त रहता है, उसकी चर्चा व्यवस्था नहीं कर ली। उसके लिए किसी ने शो नहीं किया, कोई आर्टिकल नहीं लिखे गए। तो ये लगातार गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। भ्रांतियां इस कदर फैलाई जाती है, बदनाम इस कदर किया जाता है कि जो भी आवाज उठाएगा अगर वे व्यक्ति होगा तो इस व्यक्ति को बदनाम किया जाएगा, उसको जातिवादी कहलाया जाएगा। अगर कोई जाति किसी भी जगह के अंदर अगर मुखर होगी तो पूरी की पूरी जाति को बदनाम किया जाएगा। आज बिहार के अंदर अगर किसी ने आवाज उठाई सामाजिक न्याय की, उनकी जाति अगर यादव हो गई तो सबसे ज्यादा पिछले 25 वर्षों के अंदर किसी को बदनाम किया गया। और पिछड़ों के अंदर जो विष जहर फैलाया गया कि आपका हक कोई खा रहे हैं तो वो यादव खा रहे हैं। और जब बिहार की जातिगत जनगणना हुई तो 14% जो यादव थे उनको 14% सरकारी नौकरी मिली या नहीं मिली, इस सवाल का जब जवाब आया तो कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। कहीं दिल्ली के अंदर मीडिया ने यह बात करी कि हमने बदनाम किया उन यादवों को, हम माफी मांगते हैं, क्योंकि हकीकत हमारे पास नहीं था, डाटा हमारे पास नहीं था, फैक्ट और फिगर हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने। और वो कौन बदनाम कर रहे हैं उन यादवों को और किस मकसद से कर रहे हैं कि पिछड़े आपस के अंदर लड़ते थे। ये जातिगत जनगणना से किसको नुकसान हो सकता है? क्या देश को नुकसान हो सकता है? देश का अगर एक्सरे हुई, देश के पास सही आंकड़े रहे, देश के पास सही स्थितियां पता रही, तो देश का अंदर निर्णय लेने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता नहीं। और उस सोच को नुकसान होगा, उस विचार और विचारधारा का नुकसान होगा कि ये चाहती है कि एक्सक्लूजन हो। वो कई तरह का कुतर्क देती कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होगी। जब आज देश के अंदर ऐसा वातावरण बना हुआ है, कुछ दबाव है, तो सबसे उग्र ढंग से जो ये देश के अंदर बात करती है कि धर्म के आधार के ऊपर राजनीतिक एजेंडा रहना चाहिए, वही आज ये कुतर्क देती कि हां जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए पर उसका राजनीतिक तौर पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बात किसी के समझ में आ सकती है कि आप ये बात करते हो कि नहीं, धर्म के आधार के ऊपर तो राजनीतिक एजेंडा पर चर्चा होनी चाहिए पर जाति के आधार पर? क्योंकि हर पिछड़ों को आज के समय में कोई ना कोई राजा पकड़ा रखा है कि उससे वो जुड़े, उस राजशाही व्यवस्था जिसमें सबके साथ हिस्सेदारी और भागीदारी, सबको समानता का अधिकार नहीं मिलता है, उससे कहीं ना कहीं अपने को जोड़कर उस महिमा, उस व्यवस्था की महिमा मंडल करे। क्या कोई भी तार्किक समाज उस व्यवस्था के पक्ष में तर्क रख सकता? नहीं। असमानता की व्यवस्था के अंदर कोई भी तार्किक समाज नहीं रख सकता। हां, जो खुद ताकत पाने की मंशा रखते हैं या ताकत जिनके से के पास है, वो अपना स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए हर व्यवस्था ही, चाहे वो सैनिक शासन क्यों नहीं हुई, धार्मिक
शासन क्यों नहीं लाया या राजशाही क्यों नहीं रही, उसके संदर्भ में वो कुतर्क दे सकते हैं। पर तार्किक समाज में कोई भी व्यक्ति राजशाही के संदर्भ में नहीं थे। उस राजशाही व्यवस्था के अंदर सबके साथ हिस्सेदारी और भागीदारी, उसकी छाया समाज के अंदर, सोच उस व्यवस्थाओं के अंदर आज भी मिटी या नहीं मिटी? नहीं मिटी। इस देश के अंदर हां, महाराणा प्रताप शूरवीर थे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका महिमा मंडल हम सब लोग करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन में कोई कमी नहीं रखते। पर तमाम जो उस समय व्यवस्था के अंदर लोग थे, उन्होंने पीठ दिखाकर और वो दौड़ गई, कौन उनके साथ खड़े रहे? उस लड़ाई में कौन से लोगों ने उनके साथ लड़ाई लड़ी? आज्ञावान होकर लड़ाई लड़ी, पीछे रहकर नहीं। उन भीलों के संदर्भ में इस देश के अंदर हम लोग कितनी बार चर्चा करते हैं, कितना महिमा मंडल हम लोग उनके लिए करते हैं। क्या वो भील हक नहीं रखते हैं महिमा मंडल के लिए? जब वो व्यवस्था के अंदर हर वर्ग दुमा से दौड़ गया था, जो इस राजशाही के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी रखते थे, हर जाति दौड़ गई थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ उस संघर्ष के अंदर वो भील थे। क्या वो जयंती हम लोग महाराणा प्रताप की बनाते हैं? हां, बनानी चाहिए। और उन भीलों के लिए भी हम लोग इस देश के अंदर आयोजन करके उनको याद रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? याद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? अगर ईमानदारी से हम लोग बात करें कि नहीं, नहीं रख रहे। सिर्फ हम लोगों ने वो जिम्मेवारी भील जाति को दी कि हां, वो अपने लिए करें। वंशज की बात हो रही है, वंशज के संदर्भ के अंदर अगर ये बात अपन वैज्ञानिक तौर के ऊपर जाएंगे तो बहुत बात आगे तक जाएगी। क्या उसको हम स्वीकार कर सकेंगे? नहीं, उसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे। डीएनए के संदर्भ के अंदर प्रोफेसर साहब ने बोला, कोई डीएनए का खेल तो बड़ा खतरनाक है, उसको छेड़ेंगे तो बहुत दर्दनाक पिक्चर हम लोगों के सामने आएंगे और उसमें हम गौरवान्वित नहीं हो पाएंगे, उसका महिमा मंडल नहीं कर पाएंगे। कि डीएनए जियो सिक्वेंसेज में हम लोग कहां जाकर जाए कि हम लोगों के अफ्रीका के अंदर जाकर और वहां हम लोगों की जड़ मिलेगी। वैज्ञानिक तर्क तो यह है, जब डीएनए की बात कर रहे हैं, पूर्वजों की बात कर रहे हैं, क्या उसको स्वीकार करेंगे? हमारे पास ये हिम्मत नहीं है कि उस हकीकत को, जो वैज्ञानिक तर्क के आधार पर वो हकीकत है, उसको हम लोग स्वीकार कर सकते। जब डीएनए की बात अगर हम लोग करें, हां, ग्लोरिफिकेशन के लिए हम लोग जरूर हमारे पूर्वजों से जोड़ देंगे। काहे मैंने ये बात करी कि जब हम लोग राम जी की बात करते हैं, जब कहते हैं राम जी सबके और सब राम जी के, और जब कोई आयोजन होता तो महिमा मंडल किए जाते कि हम हैं सिर्फ राम के वंशज, क्या ये सही? अगर उस जो फिलॉसफी है, जो भावना है, उसके अंदर सभी को वंशज रहना चाहिए या कुछ चंद लोगों को वंशज रहना चाहिए? अगर ये तर्क दिया जाता है तो जातिवादी घोषित किया जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से एक बार नहीं, दो बार राम को याद करते हैं, मिलते तो बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं राम राम, पर वो मंजूर नहीं है कि दो बार राम को याद नहीं करो, दो बार नहीं, सिर्फ एक बार राम को बोलो, और जो हम कह रहे हैं उस तरीके से राम को बोलो, जय लगाओ, श्री लगाओ और फिर राम बोलो। दो बार राम नहीं चाहिए, जो हमारे पूर्वजों ने हमको देन दी है वो नहीं दी, पर नागपुर ने हमने तय किया कि कैसे बोला जाए, उस तरह से आप बोलो, और हम लोगों के परिवार के अंदर भी कोई लोग उस तरह का उच्चारण कर अपना गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्या यह सही है या गलत है? इस तरह का जब तर्क करते हैं तो राजशाही व्यवस्था नहीं मंजूर है तो नहीं मंजूर, क्योंकि हमारी संविधान एक न्यूनतम हमको नागरिक होने का जब हक और अधिकार देती है, उसमें राजशाही व्यवस्थाओं को मंजूर नहीं करती। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। कोशिश किए कि संविधान को बदला जाए, प्रयास किए गए,
उन्हीं प्रयास करने वालों ने उसी संविधान को अपने सिर के ऊपर रखा या नहीं रखा, क्योंकि उस वक्त देश के नागरिक जागरूक हो गए थे कि हाँ हम इस संविधान के मार्फत से हमको क्या अधिकार और ताकत मिली। जो भी बात उल्लेख करी प्रोफेसर साहब आपने कि मैंने विधानसभा के अंदर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को कोट किया, लेकिन विंग के अंदर भी यही व्यवस्था इस देश के अंदर, जब राज्यसभा के अंदर उस कविता को कोट किया गया तो उसको रिकॉर्ड से बाहर नहीं निकाला गया। पर जब मैंने किस कंटेस्ट में, राजशाही के कंटेस्ट में, उस सोच में कि राजस्थान का बजट में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने महसूस किया राजस्थान का राज्य बजट के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी, और मैंने तर्क के आधार के ऊपर उससे बात की, तो उस सोच और उस विचार को जो उस राजशाही व्यवस्थाओं से सहमत थे उनको वो ठीक नहीं लगा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस कविता को किससे जोड़ा, जाति से जोड़ा, किन्होंने जोड़ा, उन जातिवादी सोच के लोगों ने जोड़ा। हां उनके पास ताकत है कि भ्रम और भ्रांति क्योंकि भ्रांति का युग है, इस भ्रांति के युग के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं, पर मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। उसी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सिर्फ ठाकुरों के लिए ही नहीं, चौधरियों के लिए भी बोला, मेरा सरनेम भी चौधरी है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने चौधरी के लिए क्या बोला, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वो कौन सा चौधरी जो राजशाही व्यवस्था का चौधरी था, उनको प्रतिनिधित्व करता था, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी थी नहीं, बड़ी क्रूर हकीकतें थी कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी, 1% लोगों की भी उस जाति में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी, 1% कम लोगों का ही आधिपत्य था, और उसके बावजूद भी जो एक आज के समय के अंदर ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि सबको राजा पकड़ा था। मैं जब राजशाही व्यवस्थाओं से सहमत नहीं हूं तो मेरा स्वजाति किसी को मैं राजा के तौर पर कैसे आदर्श मान सकता हूं, मैं नहीं मान सकता। सवाल तो यह है क्या किसी कूतर्क से कि वो मेरी जाति का है इसलिए वो राजशाही व्यवस्था उसने की उससे मैं सहमत हो जाऊं, ये तर्क के कसौटी पर नहीं उतरेगा। तो जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है, जो हमारे सामने ग्लास वॉल है उसको हमको तमाम लोगों को समझने का जरूरत है। सिर्फ जो नेत्रपाल ने जो आंकड़े दिए हैं, हकीकत दिए हैं, ये हकीकत और आंकड़े जो फैक्ट और फिगर्स है ये देश के अंदर हर किसी को महसूस करना चाहिए, और जो ये ग्लास वॉल अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो हमारी पीढ़ी को अच्छे ढंग से इतिहास याद नहीं रखेगी। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। अंत के अंदर मैं उसी कविता के संदर्भ में 2 लाइन और बोलना चाहता हूं जिसमें प्रोफेसर साहब आपने शुरू किया, सबने पूछा कौन ठाकुर, घर मैंने लूटा मैं भी ठाकुर, तुमने लूटा तुम भी ठाकुर। तो जो भी व्यवस्थाओं को अनैतिकता के तौर के ऊपर संविधान की भावनाओं से ऊपर उठकर कानून और नियम से परे लूट रहा है वो सब ठाकुर। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि मेरे से असहमति हो सकती है पर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के ठाकुर के कुएं से इस देश में किसी को भी असहमति नहीं होनी चाहिए। हरीश चौधरी का विरोध करो तो चल चलेगा, व्यक्ति का विरोध करो तो चल चलेगा, पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के ठाकुर के कुआ की जो भावना है कि सबकी हिस्सेदारी है, भागीदारी,
उसका विरोध, संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है।